गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेंशनर का पूरी लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, आपके जो पंचायत का पूरे लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे चेक कर पाएंगे आपके घर में भी किसी को पेंशन मिलता है, जो भी बुढ़ापा पेंशन हो गया या तो विधवा पेंशन हो गया और डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, ये जितनी भी स्कीम है पेंशन का सारी लिस्ट को आप कैसे चेक, फैमिली का नाम है कि नहीं, जैसे कि आपके फैमिली में किसी को भी पेंशन मिलते तो उनका नेम को कैसे चेक कर पाएंगे, आपके ब्लॉक में आपके पंचायत में जो भी आपको लिस्ट है उसी लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ में जो भी आपका पेंशन का स्टेटस को आप कैसे चेक कर पाएंगे, जो भी आपका पेंशनर का एक्टिव है या डीएक्टिवेट है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, पीएफएमएस में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं उसको भी आप चेक कर पाएंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए ताकि हम इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। सबसे पहले आपको कोई भी मोबाइल या डेस्कटॉप के ब्राउजर में टाइप करेंगे एनएसएपी, टाइप करने के बाद आपको सर्च आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्राउजर में पहले लिंक मिलेगा, इस तरीके से आप दिखाई देने लगेगी। नेशनल सोशल आपको पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका ब्राउजर में आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे पेंशन का वेबसाइट है, उसके बाद आपको सबसे ऊपर की तरफ आपको रिपोर्ट ऑप्शन के क्लिक करेंगे। जो भी आपका रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने मोबाइल पे ओपन कर रखा है जो भी आपको यहाँ पे वेबसाइट को, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थ्री लाइन मिलेगा, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट वाले ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अच्छी तरह समझा पाऊँ आपको। तो यहाँ पे रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगी लिस्ट, रिपोर्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी जो भी आपको स्टेट डैशबोर्ड, आपको यहाँ पे स्टेट डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, जिस स्टेट को आपको रिपोर्ट निकालना है उसी स्टेट को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आसाम से हूँ तो आसाम का रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको स्किन में सारा स्किन देखना चाहते हैं तो आपको ऑल पर क्लिक करेंगे, कौन सा कैटेगरी में जाना चाहते हैं उसी को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो ठीक है मैं ऑल पर रहने देता हूँ। उसके बाद आपको जो भी कैप्चा दिखाई दे रहे हैं आपको सारा कैप्चा को जैसे कि तैसे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट आइकन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको दिखाई दे रहा है सेम सेम ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट आइकन पे क्लिक करेंगे, थोड़े टाइम के लिए लोड लेगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे इसको डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, आपको यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट जाना है उसी डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको नाम दिखाई देने लगेगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट का आपको रिपोर्ट जाना है उसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, सबसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पे तहसील सिलेक्शन करना होगा, जिस तहसील का आपको रिपोर्ट जाना है सारे धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे पंचायत तक जाना है ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने तहसील सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे पंचायत सिलेक्शन करना होगा, जिस भी पंचायत का आपको यहाँ पे रिपोर्ट को जाना है तो यहाँ पे पंचायत को सिलेक्शन करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे धीरे से पंचायत के ऊपर क्लिक करेंगे, जिस पंचायत का रिपोर्ट जाना है उसी पंचायत के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पूरा लिस्ट आ जाएगा। एक तरफ आपको सेक्शन नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे जो भी आपका पीएफएमएस में आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं आप यहाँ पे दिखाई देने लगेगी, यस यस। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका फादर या हस्बैंड का नेम दिखाई देने लगेगी, बेनिफिशियरी का नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी सेंक्शन नंबर भी आपको दिखाई देने लगेगी। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए जो भी आपका पीडीएफ हो गया, एक्सेल हो गया, प्रिंट हो गया, सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको सबसे नीचे भी एक प्रिंट वाला ऑप्शन मिल जाएगी, आप यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम देख सकते हैं, कौन सा नेम है, आपका फैमिली का नेम भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ में फादर का नेम आपको यहाँ पे दिखाई देने की कितना उम्र हुआ है, उसके बाद आपको कौन सा पेंशन मिल रहा है, कौन सा स्कीम मिल रहा है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई देने लगेगी सेंक्शन नंबर के साथ। अगर आपका घर में या तो फैमिली में कोई भी यहाँ पे पेंशन मिलता है तो उनका जो सेंक्शन नंबर को कॉपी करेंगे, जो भी आपको स्टेटस को जानने के लिए उनका पेंशन एक्टिव है या डीएक्टिव है, लास्ट कब पेमेंट हुआ था उसको जानने के लिए सेंक्शन नंबर को कॉपी करेंगे। फिर से आपको डैशबोर्ड में आ जाना है, डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ बेनिफिशियरी सर्च में आपको एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगी, 11 नंबर एक कॉलम में यहाँ पे देख पा रहे पेंशन पेमेंट डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे सेंक्शन नंबर या तो मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पे ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर या सेंक्शन नंबर को पुट करके ट्रैक करना होगा, चलिए मुझे यहाँ पे सेंक्शन ऑर्डर नंबर है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको जो भी सेंक्शन नंबर आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको कैप्चा को पुट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट आइकन पे क्लिक करेंगे, सारे डिटेल को फिल करते हैं, उसके बाद आपको सबमिट आइकन पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, जो भी आपका पेंशन एक्टिव या डीएक्टिवेटेड सारा डिटेल आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे जो भी हमने सेंक्शन नंबर डाला था वो पेंशन एक्टिव है, कौन से डेट से जो भी आपका पेंशन मिलती है, जो भी इशू डेट है आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी, या लास्ट पेमेंट का डेट आपको दिखाई देने लगेगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखाई देने लगेगी, जो भी आपका पेंशन एक्टिव या डीएक्टिवेटेड आपको यहाँ पे एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, ये पेंशन अभी एक्टिव है। तो इस तरीके से आपको पेंशन का डिटेल जान सकते हैं।